जय माता जी। आज हम आपको लेके चलेंगे माँ झंडे वाली के दर्शन कराने, और उनके बारे में, माता रानी के मंदिर के बारे में आपको इतिहास भी बताते हैं कि जो झंडे वाला मंदिर है वो करोलबाग में स्थित है, और जो झंडे वाले मंदिर की जो इतिहास कहता है कि जो जहाँ मंदिर की जो जगह है वहाँ पर पहले पहाड़ी होया करती थी। अभी भी आप गाड़ी से यहाँ से जाओगे तो थोड़ा सा आपको गाड़ी से थोड़ी चढ़ाई करके जाना पड़ता है, तो वहाँ पर है ना ये पेड़ पौधे और पूरा वो जंगल था। तो यहाँ पर आसपास के लोग घूमने आते थे, उनमें से ही एक थे बद्रीदास जी, जो दिल्ली के चांदनी चौक के एक बड़े कपड़े व्यापारी थे। तो वो अब वैष्णो माता जी के भक्त थे और वहाँ पर ही वो अपना ध्यान लगा लेते थे जंगल में बैठ के। तो वहाँ पर ही उनके सपने में ध्यान लगाते में कि माता जी ने उनको वो कहा कि भाई यहाँ मंदिर है। उसके बाद वो नेक्स्ट डे जब घर गए तो घर पे भी सपना आया कि वहाँ मंदिर है और ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने उस जगह की खुदाई करानी चालू कर दी, और खुदाई में ही उनको जैसे ही खुदाई कराई तो वहाँ पर शीर्ष पे उनको झंडा दिखा। उसके बाद में जैसे ही और खुदाई करी तो वहाँ पर माता रानी की मूर्ति निकली, और मूर्ति निकालते वक्त जैसे भी फावड़े थे, पहले शायद मशीन तो होंगी नहीं, फावड़े वगैरह थे जैसे भी निकाला होगा, तो उनकी एक यानी कि ये हाथ है वो टूट गया यानी कि मूर्ति का। तो उसके बाद उन्होंने ही वो चांदी से उसका हाथ लगाया, और वो ज़मीन वहाँ से वो खरीद कर वो वाली ज़मीन, और वहाँ पर ये मंदिर बना दिया। और ये मंदिर लगभग 100 साल पुराना मंदिर है, 100 साल प्लस है मंदिर पुराना। तो वहाँ पर ही वो लगा दिया, और जो उसके बाद में शिवलिंग भी निकले थे, तो शिवलिंग को उन्होंने वो नहीं करा कि भाई ये भी ना हो जाए, तो फिर वो शिवलिंग अभी भी मंदिर में ही है। तो उन्होंने ही इन मंदिर का निर्माण कराया, और जो वो झंडा था उसके बाद जैसे ही वो हुआ तो उन्होंने चोटी पे वो झंडा भी लगा दिया। तो दूर दूर से जैसे ही ये ऊंचाई पे तो था ही जगह, तो जैसे ही लोग बाग वहाँ से देखते थे तो झंडा दूर से दिखाई दे जाता था, तो इसलिए इस मंदिर का नाम झंडे वाला माता पड़ा। और जो यह जो मंदिर की सोसाइटी है वो बद्री भगत जी सोसाइटी के नाम से ही है, और जो ये माता का मंदिर है यह एक सिद्ध पीठ है। और यहाँ पर जो करोल बाग में बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं, और यहाँ से IAS IPS भी बनकर विभिन्न विभिन्न राज्यों में जाके अपनी नौकरी कर रहे हैं, और जैसे ही समय मिलता है वो दिल्ली में आके माँ झंडे वाली के दर्शन करते हैं। और यहाँ पर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, दिल से मांगो यहाँ सब चीज़ें मिलेंगी आपको माता रानी के दरबार में। और यहाँ पर नवरात्रों में एक अलग ही माहौल देखने को मिलता है, नज़ारा बहुत बढ़िया रहता है, बहुत दूर दूर से यहाँ से माता रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं। और यहाँ की जो सोसाइटी है वो भी बहुत सारे अनेकों काम कर रही है, बढ़िया बढ़िया बच्चों को सिलाई करानी, और जैसे भी ज़रूरतमंदों को मदद करना, और स्वास्थ्य के उसमें बहुत अच्छा योगदान कर रही है जो ये सोसाइटी है जो भगत जी द्वारा चलाई गई है। तो एक बार भाई सब मिलके बोलो जय माता दी, और आज मैं आपको लेके चलता हूँ मंदिर के दर्शन कराने, चलो चलते हैं। देखिए ये लिखा झंडा वाला देवी मंदिर, ये है श्री बद्री भगत झंडे वाला मंदिर, और यहाँ से ही एंट्रेंस है। ये अंदर आते ही ये सारे राइट में शॉप चल रही है, सारी ही पूजा की दुकानें हैं यहाँ पर, यहाँ से आप ले सकते हो पूजा संबंधी कुछ भी सामान। और आगे तक ये सारी दुकानें पूजा की हैं, और इधर मंदिर का रास्ता है, यहाँ से ही अंदर चलते हैं। देखिए दो द्वार है, किसी से भी चले जाओ। यहाँ जूते उतार दिए हैं और मंदिर का रास्ता ही रहा, आगे चलते हैं, आगे चल रहे हैं लाइन में।
झंडे वाली माता रानी के दर्शन कर लीजिए। सब मिलके बोलो जय माता दी। और देखिए अंदर का ये भवन का ऐसा रहने वाला है अंदर, ये सारा आगे चल के दिखाते हैं आपको। जय हो लक्ष्मी माता की जय। जय हनुमान चंद्र की जय हो। जय हनुमान चंद्र की जय हो। जय हो संतोषी माता की जय हो। संतोषी माता की जय। माँ अन्नपूर्णा जी माता अन्नपूर्णा माता जी की जय हो। गौ माता जी की जय हो। जय हो गौ माता जी। जय हो गौ माता जी। देखो कुछ इस प्रकार से ये मंदिर बना हुआ है। तो देखिए आगे की तरफ चलते हैं। तो माता रानी की जोत जल रही है, जोर से बोलो जय माता जी। ये देखिए कितना बड़ा पंखा है माता रानी के ये पंडाल में। ये देखिए पंखे, ताकि ये एरिया पूरा ठंडा रह सके। यही है संस्थापक यहाँ के बद्री भगत जी, झंडे वाला मंदिर। ये देखिए आगामी शारदीय नवरात्र के माह के निर्मित होने वाले दुर्गा सप्तशती पाठ की बुकिंग हेतु कृपया श्रृंगार बुकिंग कार्यालय पर संपर्क करें। ये देखिए हलवा चने 1500 रुपये, पंजा में 800 रुपये पीस, एक हलवा मीठे चावल 2500 रुपये, चावल चपाती, ये सब ये मंदिर के लिए है। एकदम तो प्रसाद वगैरह का करना चाह रहा हूँ, देख लीजिए। बोल शंकर भगवान की जय। जय हो बोल शंकर भगवान की जय। ये देखिए जो डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है किसी जी के पिंडी, ये ऐसे ही है अंदर जाके। क्यों ये मंदिर है, मैंने एक बार से और दिखा दिया। जय माता दी। ये देखिए यहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे। जय माता रानी तेरी सदा ही जय। देखो वापसी के समय यहाँ से प्रसाद भी मिला है, दो चने का प्रसाद है दोस्तों। देखिए मंदिर परिसर से बाहर से ये मंदिर का दृश्य है, कितना सुंदर कितना भव्य है दिख रहा है। जय माता दी। वहाँ से यूँ एंट्री करके यूँ ग्रिल के अंदर से यूँ अंदर की तरफ जाते हैं, और यहीं पर ही है माता रानी के दर्शन आप यहीं करोगे। सीढ़ी के ऊपर जाए लाइट जल रही है। मंदिर के वहाँ जो पार्किंग है वो तो फ्री है, और देखिए ये पार्किंग है ये पेड होगी आपको। इससे भी थोड़ी सी दूरी पे ही है बस मंदिर, तो 20 रुपये घंटा है, उसके बाद फिर 20 रुपये रिपीट हो जाएंगे। यहाँ आने के लिए आप झंडे वाला मेट्रो स्टेशन पे उतर के गेट नंबर 2 पे उतर जाइए मंदिर के लिए, और यहाँ से ये रिक्शे भी चले जाएंगे। दोस्तों वीडियो देख के तो अच्छा लगा ही होगा, तो यार फिर किस चीज़ की देरी, अपना शेयर कर दो, दबा के लाइक करो और कमेंट्स करो, और अच्छी अच्छी जगह आपको देखनी है तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में बताओ। और ऐसे ही मैं आपके लिए नई नई अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय।